क्या सही लग रही है जी। अगर गौर से देखोगे आपको कोई डिब्बा नहीं दिख रहा। पहला झटका मारा जी, जैसे बटन दबाएंगे। ओके जी, गुड मॉर्निंग है जी। कितने लोग बोलते हैं कि हमारे को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई है। मैं आज अंग्रेजों से पंगा लेने जा रहा हूँ। कसम से मैं बता रहा हूँ आपको, आज जितनी लाइफ की अंग्रेजी है ना, वो सारी बोलनी पड़ेगी। क्योंकि आज हम जो अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में होने वाला है। वैसे हमारी एक लंबी ट्रिप की प्लानिंग है, आई होप, फिंगर क्रॉस्ड। अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, जब वो हो जाएगा सब, वीज़ा हो जाएगा तब आपको बताया जाएगा। पर अभी हमारे को सिर्फ एक ही चीज़ की टेंशन है, क्योंकि इतने सारे कागज़ इकट्ठे हुए हैं वो वीज़ा प्रोसेस के लिए। कल मैं प्रिंट आउट लेने गया, 200 रुपये का खर्चा हो गया, इतने प्रिंट आउट थे। अभी भी कुछ प्रिंट आउट बच गए हैं जो मेरे को आज जाकर लेने पड़ेंगे। तो आज हमारे को जाना जी अहमदाबाद। अपॉइंटमेंट मुंबई में मिल नहीं रही थी, 3 महीने की वेटिंग थी। अहमदाबाद पहुँचने से पहले आपसे पूछ लेते हैं जी, किद्दा हो जी सारे? वधिया आपा, बहुत वधिया। बस जी आज दुआ करना जी, सारी अंग्रेजी जितनी सीखी है आज तक की सारी बोल दे। और सबसे खतरनाक चीज़ पता क्या होती है, जब आपकी फ़्लाइट होती है सुबह की, तो आपको पूरी रात नींद नहीं आती। मतलब मैं 3 बजे के अलार्म लगा रखे हैं, 3, 3:15, 3:30, 4, और करते 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 हम पहुंच गए हैं। अच्छी बात यह है कि आज हमारे को सामान नहीं लेके जाना, सिर्फ फाइल लेके जानी है, कैमरा लेके जाना है और खुद को लेके जाना है, बस इतना ही काम है। और फ्लाइट में अभी भी टाइम है हमारे पास 1 घंटा। भूख भी नहीं लगी है, सोचो इतना वो है। कल हम बैठ के तो पहले तो आइटनरी याद कर रहे थे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ पर जाना है, कितनी तारीख को कहाँ जाना है, ऐसा सारा याद करना पड़ रहा है। हमको पहले पता होता ना, इतनी पढ़ाई करनी होती तो मेरे को लग रहा है IPS के एग्ज़ाम में क्लियर कर लेता। सही बता रहा हूँ, बस यही सीन था। बाकी अब अहमदाबाद पहुँचेंगे, नज़ारे आएंगे। जो भी नज़ारे आएंगे वो आप आने वाले दिनों में पता लगेंगे, पर आज ये काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइनली ये है कि अपॉइंटमेंट मिल गई है, तो जी चलो चलो। अहमदाबाद पहुँच गए 6, बस सब ठिकाने पे पहुंचते हैं। काम हो गया हमारा बढ़िया से, मतलब कोई भी हमारा इंटरव्यू टाइप का नहीं हुआ, सीधा जा के हमारा बायोमेट्रिक्स हो चुका है, सारे काम खत्म हो चुके हैं। अब सीधा जा रहे हैं आपके लिए सेकंड सरप्राइज जो हमने प्लान किया था। पहले ऐसे सोचा था कि आपको नहीं बताएंगे, जब लग जाएगा वीज़ा तब बताएंगे, पर फैमिली हो, फैमिली को तो बताना ही पड़ेगा। और सेकंड सरप्राइज जो हमने प्लान किया था वो है जी वंदे भारत ट्रेन। तो हमारी सीट हो गई है कंफर्म, अब जा रहे हैं जी स्टेशन पर। और फिंगर क्रॉस 15 दिन में वीज़ा आ जाना चाहिए। चलो फिर सर जी, वीडियो लाइक करोगे ना? जरूर करूंगा, पूरी फैमिली के साथ करूंगा। अरे क्या बात है, क्या बात है जी, इस बात में तो आई लव यू है जी। ओके ओके, आई लव यू टू जी। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आपका स्वागत है। पहुंच गए जी, फुल एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि ये ट्रेन को हम 3 बार पकड़ना चाहते थे। अभी तक हमारी वेटिंग चल रही थी, आज पहली बार हमारी कंफर्म हुई है, नहीं तो हमारे को फ्लाइट करके जाना पड़ता। पर ये एक्सपीरियंस खुद भी करना चाहते थे और आपको भी करवाना था। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, वंदे भारत ट्रेन। स्टेशन पर तो पहुंच गए हैं, बस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और सबसे आगे आगे खड़े हैं, क्योंकि हमारे को देखने की फ्रंट से कैसी दिखती है, इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे हमारा डिब्बा तो बहुत पीछे है, C9, ये C1 पे खड़े हैं हम, कि आएगी तो कैसे लगती है वंदे भारत। क्या सही लग रही है जी, क्वालिटी तो ऐसे चमक के निकली है, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है। अंदर बैठ के तो बहुत ही बढ़िया फील आने वाला है। यही है नज़ारे जी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत। मतलब वो स्टार्टिंग में जब वंदे भारत लिखा हुआ आया ना, तो वैसे लगा कि हाँ स्पेशल ट्रेन के लिए हमने इंतज़ार किया। हमारे को ये नहीं पता हमारा डिब्बा कहाँ गया, हमारे को वो ढूंढ रहे हैं। ये है जी फ्रंट साइड, ये इसका लुक है, मस्त ऐसे लाइटिंग वाइटिंग लगी है यहाँ पर। सर कैसा मज़ा आ रहा है चलाने में वंदे भारत को, मज़ा क्या आ रहा है? कितना स्पीड पे जाती है ये? कभी 130 पे, कभी ऊपर 130 पे। वैसे हाईएस्ट स्पीड कितनी है इसकी? 130 अभी है। अभी 130 है, मतलब अपग्रेड हो गई है। और पहले वालों की कितनी होती थी? 110। क्या बात है, मतलब स्पीड तो बड़ी है। 20 की स्पीड हमारे को नहीं समझ में आती हमारे बाइक के हिसाब से, बट जब
ट्रेन हो और हवा से बातें कर रही हो तब क्या सीन होएगा। ये तो बहुत बढ़िया, यही है जी। चलो अब डिब्बे की तरफ चलते हैं। बाहर से भी क्या खिड़कियाँ लग रही हैं यार। ये जी इतना स्पेस दिख रहा है आपको? बढ़िया स्पेस है यहाँ पर, मज़ेदार। हाँ हाँ क्या बढ़िया है। ये फुल ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, जैसे बटन दबाएंगे। क्या बात है, आलीशान। सीट वीट भी कंफर्टेबल लग रही है। सबसे पहले ये देखते हैं इसमें कोई है क्या। कि वॉशरूम थोड़े से बिजी है, जैसे खाली होते हैं वो भी दिखाते हैं, बाकी सीट हम अपनी सामान रख के आते हैं। ये मस्त करके यहाँ से विंडो मिली है, सीट तो बहुत ही प्यारी है, कंफर्टेबल। और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप। फील तो अच्छा है जी, फुल ऐसे फ्लाइट वाला फील आ रहा है। बाकी अब जब रास्ते में ये वाली विंडो से देखेंगे तब उसका फील अलग होगा। फुल अगर हम चाहते हैं ना कि इंटरनेशनल वाला फील आए तो वो वाला फील है अभी तक, बाकी चलने पे बताएंगे। ये देख रहे जी सबसे इंटरेस्टिंग चीज, और पे पोर्टल। फुल ऐसे अनाउंसमेंट हुई है जी, अगर आपको कोई तकलीफ होती है यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है, आप फ़ोन करो, कोई भी तकलीफ हो आपकी समस्या का निवारण किया जाएगा। सर कैसी लग रही है ट्रेन? एकदम बढ़िया, वेरी गुड। पानी दिया है यार हमारे को, पानी दिया है। अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे बीच की सीट है पर इंजॉय हम पूरा करेंगे। बस यही है जैसे, बाकी अभी दिखाते हैं, चलने दो अभी थोड़ा, पहले रिलैक्स हो जाए। अभी क्या हम सर जी से बात कर रहे थे, मैं कहा सर आप पहली बार आए करें? नहीं मैं 15-20 बार आ चुका हूँ और ये रेगुलर ट्रैवल करते रहते हैं ना, तो पहले के मुकाबले अभी कितना फ़र्क पड़ा है सूरत तक जो आप पहुँचते थे? पहले मैं था शताब्दी में, शताब्दी वहाँ से सुबह 9:15 को चलती थी, यहाँ पे 1:15 पहुँचती थी, मतलब 3.5 घंटे सबसे फास्ट ट्रेन वो था। ओके अभी ये 2:20 में अहमदाबाद। क्या बात, मतलब और पैसे में कितना डिफरेंस आया? सेम टिकट प्राइस सेम है, स्पीड बढ़ गई है, टाइम अराउंड 1 से 1.5 घंटा कम हो गया। और आपको लगेगा नहीं आप ट्रेन में बैठे हो। वही तो, वो बैठ के वो जो लोग बोलते ना ऐसे विदेशों वाली फीलिंग आनी चाहिए, वो वाली फीलिंग आ रही है, वो फ्लाइट वाली फीलिंग आएगी। और यहाँ पर वो नहीं, आपको 1 घंटा पहले आना, 15 मिनट पहले। यहाँ पे पानी का गस रखा होगा ना तो पानी हिलेगा नहीं। दिखाएंगे, ये भी करके दिखाएंगे, हम बोतल रख के दिखाएंगे आपको, पर अच्छा फीलिंग, अच्छा अभी तक कोई भी जर्क नहीं, कोई बाउंस नहीं, कोई नहीं। और लाइव जो स्पीड होगी वो भी वहाँ पे दिखाएगी। वाह, अभी स्पीड कौन सी चल रही है? ठीक है, वो भी दिखाएंगे। अच्छा सर जी मिल गया हमारे को पता लग गया कहाँ पर क्या क्या होगा। फ्लाइट में होता है कि भाई कौन सा लेटरिन अभी अवेलेबल है, कौन सा वैकेंट है, वो भी आपको सिग्नल आ जाएगा। देखो पीछे होगा। हाँ मैं अभी गया था, दोनों ग्रीन है। अच्छा अभी वो रेड होगा तो वो वाला वैकेंट है। फुल फील दिया ब्रो, फुल फील, यही चाहिए था। पैसा वसूल है। टाइम कितना सेव होगा, मतलब टाइम की तो वैल्यू आजकल। चल पड़िए जी, फील तो है जी, अभी भागेगी, अभी आराम से। क्या है कि स्टार्टिंग में ये थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म से निकलना होता है और पुरानी गंदी आदतें जो पड़ी हुई हैं लोगों को, ट्रेन पटरियां पार करने की, जिसकी वजह से गड़बड़ होती है, तो उस वजह से ये जो प्लेटफॉर्म से निकलने में जो 8-10 मिनट लेगी वही टाइम लेगी, कुछ ना कुछ चालू रहता है इधर। पर जैसे ही इसने स्पीड पकड़ी, पर इसमें पता नहीं लगेगा वो बताएंगे हम, तो अभी विंडो सीट मिल गई है क्योंकि सूरत और वडोदरा पे भर जाएगी है, फिर तो हमारी बीच वाली सीट वहीं बैठना पड़ेगा, तब तक आनंद लेते हैं। पहला झटका मारा है जी, थोड़ा सा खींचा है, एकदम से ऐसे पीठ ऐसे गई है। वो तो नहीं, हम झूले में जाते हैं तो झूले में एकदम से ऐसे झटका था, वैसे ही एकदम से ऐसे आराम से निकाल रही थी और एकदम से ऐसे सुप करके झटका आया। क्या भाग रही है यार, क्या भाग रही है। ये देखो जी, ये आया हमारा खाना, और इनकी फुल आउटफिट देखो जी, टोपी से लेके ग्लव्स तक, कितना पूरा हाइजीन का ख्याल रखा गया है। शुक्रिया, क्या नाम है आपका? कृष्णा तिवारी। ये ट्रेन में मज़ा आता है आपको? हाँ। स्टार्टिंग से? हाँ। फुल भागती है ना? बढ़िया। ठीक है जी, खाना देखिए जी, हमारे को मिला है जूस समोसा, वो भी गर्म है, चकली इलायची चाय, वाह। फुल ऐसे फ्लाइट वाला फील है जी, टेंशन मत लो, आपको दोबारा भी चाहिए आप दोबारा भी मांग सकते हैं, शर्माना बिल्कुल मत। ठीक है, देखो जी हमने चाय का कप रखा है यहाँ पर, और कोई भी ऐसा फिसल नहीं रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, जबकि स्पीड ही ये चल रही है।
130 का स्पीड है वहाँ पर, आपको दिखाऊंगा वो बाद में, पर इससे आइडिया लगा लो कुछ नहीं हो रहा। पास है जी पास। तुम कर लो पहले। 130 की स्पीड पर दौड़ रही है जी, ऐसे शुरू होती है, हमारे को लगा तो 130-139 मतलब ऐसे फट से पकड़ी है इसने स्पीड। और ये वाले जो दरवाजे लगे हैं ये भी जितनी देर बोल रहा है, ये वाले जो दरवाजे हैं ये भी अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, अगर 3 मिनट के लिए बड़े प्लेटफॉर्म पर रुक रही है तो बंद हो जाएंगे, ऐसा ना कि बाहर घूम के हुए चिप्स लेने जा रहे हो, काम हो जाएगा सब कुछ अंदर ही है। ये देखो ना सब अंदर, अब दिखाते हैं जी आपको वॉशरूम। ये देखो जी यहाँ पर कुंडी लगी है, ओहो फैंसी फ्लश का देख रहे हो, ओहो। और यहाँ पर अच्छे से नल फैसिलिटी, अगर गौर से देखोगे आपको कोई डिब्बा नहीं दिख रहा, उस पर चेन लगा कर रखा हो, ये क्योंकि अच्छी बात है कि ट्रेन में कोई डिब्बा नहीं है जिस पर चेन लगी हो, कोई ऐसा वो साबुन नहीं है जो आप उतार के लेके जा सकते हो, फुल फ्रेश सब कुछ फ्रेश। यही है जी सीन ट्रेन का, फुल मज़ा, मतलब हमारे को तो बहुत आनंद आ रहा है, आपको कैसा आनंद आ रहा है? अब थोड़ी देर बैठते हैं क्योंकि हमारी जो विंडो वाली सीट थी वो बुक हो चुकी है, अब सिर्फ ट्रेन पर बैठ के थोड़ा आनंद लेते हैं। और कितनी स्पीड बढ़ सकती है, अगर ज़्यादा बढ़ी तो बताएंगे। चलो जी बाय बाय। हा, फाइनली बहुत ही चिल ट्रिप करके आए हैं जी, बहुत ही चिल ट्रिप, मतलब सुबह हमने फ्लाइट पकड़ी, उसके बाद मीटिंग वीजा का प्रोसेस सब खत्म किया, और उसके बाद जो वंदे भारत ट्रेन ने मजे दिए हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं सलीम की फॉर्चुनर में गया हूँ, थका ही नहीं हूँ, मतलब इस तरीके से चल रही है, जो हम मांगते हैं कि इंटरनेशनल वाला फील हो बिल्कुल वैसा फील था। खाना एकदम गर्म, डिनर भी हमारे को मिला मस्त करके हमने खाया, बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, बहुत सारी अच्छाइयाँ, मतलब जब दरवाजे खुलते हैं उस चीज़ का, चार्जर के पॉइंट से लेके आपके पानी से लेके, अगर आपने कोई रिक्वायरमेंट की जैसे किसी के साथ बच्चा होता है तो वो बोलते हैं गर्म पानी तो ट्रेन में नहीं मिलना पॉसिबल नहीं होता, पर आप जो भी चीज़ मांगेंगे वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी चाहे कितनी बार भी मांगो। यही है जी, बाकी पूरी रात से जगे हुए हैं, पूरी सुबह से भाग रहे हैं, तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो दिल करे वो कर देना, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ जी सोने हूँ, तुम ज्यादा ख्याल रखो, 80 का ज्यादा ख्याल रखेंगे, चंगा फिर, रब रखा जी, वंदे मातरम।